शुभ खबर रेडियो कश्मीर जम्मू पेश करता है नौजवानों के मुस्तकबिल पर मबनी प्रोग्राम रोशन राहें। नहीं सूबों की सरहदों से अपना वास्ता कोई, दिलों के दरमियान जो है वो हर दीवार की रानी है। बहुत सुन लिए फसाने जमाने से गुमराही के, अब हकीकत तेरी सुननी है तुझे अपनी सुनानी है। नमस्कार, आदाब, जूले। एक और कड़ी रोशन राहें प्रोग्राम की लेकर हाजिर हैं आपकी खदमत में। रोशन राहें, पेशकश शोभा खबर रेडियो कश्मीर जम्मू। सामईन, ऐला अपनी सोच अगर है, समझने वाली समझ अगर है, ताड़ने वाली नजर अगर है, मीठी अपनी जुबान अगर है, दिल एहसासात से बरा अगर है, करो फर वाली चाल अगर है, कुछ करने की चाह अगर है, कदम न चूमे क्यों कामयाबी, कोशिश पाए हम अपनी अगर है। तारीख गवाह है कि ऋषियों मुनियों, पीरों फकीरों और साधु संतों की तालीमात पर जम्मू कश्मीर के अवाम ने चलकर न सिर्फ इन तालीम देने वाले, दरस देने वाले, सिखाने और समझाने वालों को इज्जत बख्शी, एहतराम किया, बल्कि खुद की एक लाजवाब पहचान भी बनाई है। सच तो ये है कि यहाँ इंसानी दरस देने वाले अपने शागिर्दों, अपने पैरोकारों, अकीदत रखने वालों की कभी भी जात नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते, उनसे उनकी जबान के बारे में नहीं पूछते, बल्कि नजर में रखते हैं उनकी श्रद्धा, उनकी अकीदत, उनका यकीन और दरस पाने की उनकी उमंग, उनकी आरजू। इस सच्चाई का दूसरा पहलू ये भी है कि अकीदत रखने वाले भी कभी दरस देने वाले का नाम नहीं पूछते हैं, बल्कि अकीदत से आते हैं और फितरत इंसानी के पेश नजर अपनी दिली तमन्नाओं को पूरा होने की उम्मीद रखते हैं। बात करते हैं कि तालीमात की, और इस ताल्लुक से इतना कहेंगे कि इसमें न तासुब है, न नफरत है, न हसद है, न देश दुश्मनी है, न झगड़ा है और न ही गुंजाइश तकरार की। जो है वो है प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इतिहाद, अमन आश्ती, मेहनत, ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारने वाली जिंदगी। सामईन, यही वजह है कि यहाँ के अवाम ने दुश्मन की लाख कोशिशों के बावजूद अपने को इन तालीमात से अलग नहीं होने दिया, बल्कि दोस्तों की संगत में रहे, गमखारों को तलाश किया, वो रास्ते ढूंढे जिन पर चलकर वो खुशियों और कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचने में कामयाब हुए। नाखुशगवार हालात ने बेरोजगारी पैदा की, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसी खास मकसद के लिए यहां नाखुशगवार हालात को पैदा किया गया था। लेकिन इन्हीं नाखुशगवार हालात ने यहां के अवाम को दुश्मन की साजिशों और गंदी चालों से वाकिफ भी कराया और दुखों और तकलीफों को आजाद होने की राहें, तदबीरें और तरकीबें भी समझाई। और आज जब हम रियासत के अवाम की दुश्मन को दंदा शिकन जवाब देने की उनकी हिम्मत देखते हैं तो दाद दिए बगैर नहीं रहते हैं। और इस हिम्मत के पीछे कार फरमा है साधु संतों, ऋषियों मुनियों और पीरों फकीरों की तालीमात। नाखुशगवार हालात की वजह से जो नौजवान मुतासिर हुए थे, बेरोजगार हुए थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि खुद अपने हाथों से अपने रोजगार की एक दिलचस्प और काबिल तवज्जो कहानी लिखी, जिसमें तरक्की है, कामयाबी है, कामरानी है और खुशहाली है, क्योंकि उनके साथ रही मुल्क की मरकजी सरकार और मरकजी सरकार की वो स्कीमें जिनको दोस्त का दोस्तों को पेश किया जाने वाला तोहफा अगर कहा जाए तो गलत न होगा। वाकई यह रियासती अवाम का तालीम देने वालों के तहीं जबरदस्त खिराज अकीदत है। सामईन, जब हम रियासत के किसी नौजवान की जबानी उसकी कामयाबी की कहानी सुनते हैं तो दिल खुशी से झूमने लगता है। ये कहानी दूसरे नौजवानों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन का काम कर सकती है, इसीलिए आज एक कहानी होनहार मेहनती नौजवान की जबानी। इनसे बात कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे विजय बजाज। समीन, जेकेईडीआई की एक बेनिफिशियरी जिन्होंने जेकेईडीआई से लोन लेकर अपना खुद का कारोबार शुरू किया, ऐसे ही एक बेनिफिशियरी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुनीश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनीश्वर, सूदन जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? मैं बेसिकली आरसपुरा का रहने वाला हूँ और मेरी जो एजुकेशन है दैट इज बीएससी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आफ्टर दैट एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस एंड रिटेल मार्केटिंग। तो आपने एमबीए किया है। मुनीश्वर जी, अभी आप किस पेशे से जुड़े हैं? अभी जो मेरा पेशा है दैट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल, दोनों कम्बाइंड है इसके अंदर। उसके अंदर हमारा सोल्यूशन बेस्ड बिजनेस भी है, रिटेल भी है, गवर्नमेंट सेल्स भी है, जैसे गवर्नमेंट में आजकल गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल के ऊपर सेल आउट होता है, वो हम सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मुनीश्वर, चूंकि आपने एक प्रोफेशनल डिग्री है वो की है, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे, कुछ साल आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया और उसके बाद अपना खुद का व्यापार करना चुना, कोई खास वजह है इसकी? मेरा मानना है कि सरकारी जॉब, एक कोई एप्लीकेशन फॉर्म अगर निकलता है तो उसमें कम से कम 2 लाख 3 लाख फॉर्म लगते हैं,
तो उन 2-3 लाख फॉर्म लगने के बावजूद भी उनमें से 200 या 300 बच्चों को सरकारी जॉब्स मिलती है। मुनीश्वर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी वाकई में एक समस्या है। तो मुनीश्वर, प्राइवेट सेक्टर से निकलकर अपना रोजगार शुरू करना, अपना खुद का कारोबार शुरू करना, आखिर ये फैसला लेना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? किन किन चुनौतियों से आपको पार पाना पड़ा? पहले जिस प्रोफेशन में मैं था वो तो मैं चंडीगढ़ बेस्ड आउट था। बेसिकली मैं बेस्ड आउट हूँ जम्मू से और मैं मैरिड भी हूँ, तो वहां से मेरे को यहाँ पे ऑपरेट होना डिफिकल्ट हो रहा था। तो मुनीश, आपके परिवार का सहयोग आपको मिला इस काम में? जब मैंने वहां से बिजनेस के लिए सोचा, बिजनेस के लिए माइंड सेटअप बनाया, प्रोफेशनल मेरे पास था, बट कहीं ना कहीं जे एंड के एक स्टेट के अंदर गया कि मैक्सिमम जो है सैलरी बेस्ड पर्सन है, बिजनेस बड़े लिमिटेड से ही सोसाइटी जो बिजनेस में है, तो यहाँ पे उस हिसाब से मतलब फैमिली का सपोर्ट पहले तो नहीं था। फॉर द टाइम बिंग जैसे हमने कुछ स्टार्ट करा, 2-3 साल हो गए मेरे को एस्टेब्लिशमेंट करे हुए यहाँ पे, अब मेरे को फैमिली का भी सपोर्ट बाद में मिला। मुनीश्वर, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार पूरे जतन कर रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, और इस दिशा में सरकार बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी के रूप में जम्मू कश्मीर में JKEDI काम कर रहा है, तो हमारे सामीन को ये बताइए कि आपने JKEDI की किस स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और आपने कितना लोन लिया? JKEDI इस टाइम मेन रोल प्ले कर रही है। बेसिकली ये एक ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म है फर्स्ट इसका, जो भी कैंडिडेट इनके पास आता है पहले उसको सिखाते हैं कैसे आपने काम करना है। कई कैंडिडेट आते हैं उनको पता ही नहीं होता करना क्या। इनमें ये है कि पहले वो बताएंगे कि आपको डिसाइड क्या करा हुआ आपने, मतलब पहले वहां से फाइनलाइज करते हैं कि आपने लाइफ में करना क्या, एम क्या है, उसके बाद ये फाइनलाइज करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, 21 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इनकी किस स्कीम को आपने चुना, किस स्कीम के अंतर्गत आपने लोन लिया इनसे? मैंने जो लिया है वो YSLS यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम्स कहते हैं। इस स्कीम के ब्यौरे जो है वो हमारे सामीन से साझा कीजिए। इस स्कीम के अंदर क्या है, ये बेसिकली 12 स्टैंडर्ड्स का कोई पास आउट है वो ये स्कीम अवेल कर सकता है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं स्कीम्स के अंदर ये कि एक तो इसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इस पे सब्सिडी कोई नहीं दी जाती, लेकिन ब्याज की दर बेहद कम है। इसके अलावा दूसरा एक सीड कैपिटल प्रोग्राम भी है जिसमें वो 10 लाख से अबव भी देते हैं, डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन के ऊपर। YSLS प्रोग्राम के अंदर वो 8 लाख तक का लोन देते हैं, उसके अंदर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो नॉर्मल दूसरा जो प्रोग्राम है सीड कैपिटल वाला उसमें 3 लाख रुपए सब्सिडी है। तो सब्सिडी वाली स्कीम को ना चुनकर आपने विदाउट सब्सिडी स्कीम चुनी, कोई खास वजह इसकी? मेरे को एक्चुअली बेसिकली ऑफिस बेस सेटअप करना था, तो मेरे को उसमें ज्यादा एक्सपेंस की जरूरत नहीं थी, मेरे को उसमें 7-8 लाख का एक मेरे को कैपिटल चाहिए था। सीड कैपिटल भी मैं ले सकता था, बट उसमें और इसमें डिफरेंस मेरे को लगा कि एक तो 3 लाख रुपए उस पर सब्सिडी कैपिटल है, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, प्लस आपका जो 7 लाख रुपए अमाउंट है उसके ऊपर आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो कैलकुलेशन करी जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और दूसरा चीज, वो जो 7 लाख अमाउंट है वो आपको JKEDI नहीं पे करेगा, वो आपको पे करेगा जेके बैंक। JKEDI के अंदर एक नॉर्मल उनका प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, आप सीधा अप्लाई करो, आपको 2-3 मिनिमम नॉमिनल सी फॉर्मेलिटीज है, आपको सेम डे या 3-4 दिन के अंदर ही आपको पे आउट उसमें आ जाता है। मुनीश्वर, बात करें आपके कारोबार की, अभी मौजूदा समय में आपने कितने लोगों को अपने कारोबार में रोजगार दिया हुआ है? मेरे पास 4 एम्प्लॉई है जिसमें से 2 है जम्मू में, 1 श्रीनगर में है और 1 लेह के अंदर प्लेस है, जो मेरा सारा बिजनेस वहां पे देखते हैं, वो मेरा बेसिकली सर्विस भी हैंडल करते हैं और मेरा सेल यूनिट्स भी हैंडल करते हैं। मुनीश्वर, आपसे आपकी कमाई नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि आज के समय में आप अपनी इनकम से, अपनी कमाई से किस हद तक संतुष्ट हैं? अभी तक जितना भी मेरा एक्सपेंस होता है, जितना मेरे को वहाँ पे अर्न करता था मैं, जब बाहर की कंपनीज में मैं जाके अर्न करता था, उतना अमाउंट मैं अपने लिए आज भी अर्न कर रही आ रहा हूँ। मेरे जितने भी इम्प्लॉयज हैं, 4 एम्प्लॉयज का सैलरी, मंथली सैलरी निकाल के, पर इम्प्लॉय मेरे से मंथली अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज सैलरी जाती है, 40,000 मेरा सैलरी जाता है, प्लस 10,000 के करीब मेरा मंथली रेंट जाता है मेरे ऑफिस प्रीमिसेस का, उसके अलावा और छोटे मिसलिनियस 5-7 हजार रुपए वैसे भी एक्सपेंस चले जाता है, मतलब 50-60,000 के करीब मेरा मंथली एक्सपेंस जाता ही जाता है। उसके अलावा मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब मेरी अभी तक रोटेशन आ रही है, मंथली जो इनकम आ रही है, जो कि बाहर के मुकाबले अगर बाहर कंपेरिजन करा जाए वहां पे 50-60,000 आता था। मुनीश जी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए हमारे सामीन को, ये बताइए कि JKEDI के बारे में आपको जानकारी कहां से प्राप्त हुई, कहां से ये जानकारी मिली? मेरे एक फ्रेंड था, साथ में हम चंडीगढ़ में इकट्ठे रहते थे, वो भी बेसिकली सेम जिस दौर से मैं गुजरा हूँ वो भी उसी दौर से गुजरा हुआ है, तो वो जम्मू में आया, उसने ही कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पता करा होगा, तो उसने जाके मेरे से एक बार शेयर करा कि ऐसे ऐसे कोई नोडल एजेंसी है जो पे करती है, तो उसमें नॉमिनल सा है। पहले तो मेरे को लगा नहीं ऐसा ही कुछ होगा, फिर भी मैंने एक बार आके इंक्वायर करा कि लाइक जस्ट है कि एक बार चेक तो करें। पर जब मैं वहां गया, JKEDI के अंदर गया, वहां का जो एटमोसफेयर देखा, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को लाइक एक एक चीज बताई, मेरे को लगा ये तो लाइक इजी सा प्रोसेस है, एक बार इनिशिएटिव लेके देखते हैं, वहां भी कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप देके देखते हैं। और मैंने वहां पे टाइम लगाया, पूरा एक अपना पोटेंशियल दिया। उसके अलावा जितने भी जैसे वहां पे जो डायरेक्टर थे MI परे,
डॉक्टर विनोद जी हैं, तो इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट करा वहां पे आके। मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी इन्होंने साथ में खुद बैठ के बनाई। उसके अंदर मतलब मैं जहां फील्ड विजिट में जाता था मेरे को साथ में फील्ड विजिट भी लेके गए। इतना मतलब सपोर्टिव एटमॉस्फेयर आपको किसी और नोडल एजेंसी में नहीं मिलेगा जितना कि जेकेडीआई में मिलेगा। यानी आपके फ्यूचर को एक शेप देने में जेकेडीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उन्होंने। मुनीश्वर जी, कोई बेरोजगार नौजवान आपकी आवाज आज उन तक अगर पहुंच रही है तो आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि साढ़े तीन साल की अपनी मेहनत के बाद आप आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि औरों को भी रोजगार का जरिया बने हैं। तो एक बेरोजगार नौजवान जो आपकी आवाज सुन रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे कि उसको कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सो दैट उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो, वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। सबसे पहली बात, इसमें तो जम्मू कश्मीर स्टेट वर्ल्ड वाइड हर एक ने फोकस करा हुआ हमारे जेएंडके स्टेट के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर इतना ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसको होने नहीं दिया बेसिकली पुराना। और अभी पिछले 5-6 साल से गवर्नमेंट का मेन फोकस इसी स्टेट के अंदर है। मैक्सिमम जो पैकेज आता है अगर पूरा ऑल द स्टेट्स में हम डिस्कस करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और जेएंडके स्टेट के अंदर पहले तो इम्प्लीमेंटेशन होता था, नहीं होता था प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता था। अभी उसके बाद जितने भी अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं बड़े अच्छे तरीके से उसको वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जो पैकेज आया हुआ है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर हम एक बार ठान लेके लाइक हमने कुछ करना है और एक अपना एस्टेब्लिशमेंट तैयार करना है, हम जेएंडके स्टेट के अंदर एक अच्छा अभी भी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले 100 ईयर्स यहाँ अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक बेरोजगार नौजवान जो भारत सरकार की स्कीम्स के जरिए अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहता है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसे कहाँ जाना है? जैसे अपना जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट प्लेस टू मूव ऑन। एक बार वहां जाओ, वहां से जितने भी कोऑर्डिनेटर है वहां से फॉर्मेलिटीज का प्रोसेस भी इतना ज्यादा नहीं, 100 रुपीज में आपका एक मिनिमम फॉर्म मिलेगा और 21 डेज की करियर काउंसलिंग जो वो गाइडलाइंस देते हैं वो करें। एक्चुअली वहाँ पे जब काउंसलिंग होती है, एक बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती, वहाँ पे कम से कम भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, लाइक अलग अलग विचारों को लेकर वहाँ पर पहुंचे, अलग अलग आइडियाज को लेकर वहाँ पर पहुंचे, हर एक का अलग अलग थॉट्स होता है, आइडियाज होते हैं, न्यू जनरेशन होती है वहाँ पे और वो एक न्यू आइडियाज के साथ आते हैं और उसी हिसाब से आप पहले एक ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके बाद आपको एक क्लियर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, उसमें डिपार्टमेंट भी आपकी सपोर्ट करेगा। तो लोन किस प्रकार से दिया जाता है, इसमें बैंकों की क्या भूमिका रहती है, जरा हमारे सामीन को इसके बारे में बताइए। 2-3 उनके पास स्कीम्स हैं, जैसे एक तो YSLS मैंने जिसमें मैंने लिया था, इसमें तो बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो आपको डिपार्टमेंट सीधा ही आपको पे कर देगा। मैंने तो 8 लाख तक का लोन लिया था, अब शायद उन्होंने कुछ लिमिट्स बढ़ाई हैं इनकी, आप ज्यादा लोन भी ले सकते हो। JKEDI का एक और रोल भी है अच्छा प्ले करता है, कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट नोडल एजेंसीज हैं उनका इतना ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं है जेके बैंक के साथ जितना कि जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का। गवर्नमेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है जेके बैंक को भी, जितना भी EDI के थ्रू जो स्टूडेंट्स आता है उनमें उनकी हेल्प करो। तो यानी पूरी तरह से युवाओं का मार्गदर्शन, उनको माली इमदाद सब कुछ फराहम किया जाता है। सब कुछ फराहम किया जाता है। तो मुनीश्वर, रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक अहम मसला है, तो अक्सर देखने में ये आता है कि रोजगार ना मिलने की सूरत में अक्सर हमारे नौजवान गलत आदतों में पड़ते हैं। ड्रग्स एक बड़ी समस्या है, पत्थरबाजी एक बड़ी समस्या है, या और गलत आदतों में मुलव्वस होते हैं हमारे नौजवान, तो इन नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग ये सोचते हैं कि ड्रग्स और ये स्टोन बेल्टिंग या और कुछ जो वो डिसीजन लेते हैं, आप वहां पे जितने भी लोकल्स हैं वहां पे जाके उनकी भी सपोर्ट ले सकते हो। डिपार्टमेंट के पास जब आप आओगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि कहां कहां कौन कौन से एरिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर, बॉर्डर एरिया में कहां कहां प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, वो आपको साथ जाके वहां जाके भी विजिट करवाते हैं, आप उनको देख के अब एक अच्छा करियर चुन सकते हो। तो सवीन, अभी हमने बात की एक होनहार नौजवान से जिसने प्रोफेशनल डिग्रीज अटेन करने के बाद, प्रोफेशनल सेक्टर में कई साल काम करने के बाद अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का एक व्यापार शुरू किया, कारोबार शुरू किया और आज लगातार सफलता की बुलंदियों पर वो पहुंच रहा है, न केवल खुद कामयाब बन रहा है बल्कि रोजगार के और मौके पैदा कर रहा है। मुनीश्वर, आप हमारे स्टूडियोज में आए, हमसे अपने कीमती तजुर्बे, अपने कीमती विचार हमसे शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। सामईन, हमें उम्मीद है कि रियासत का हर नौजवान अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और कामयाबी की अपनी बेहतरीन ख्वाहिश का सबूत जरूर पेश करेगा। मौके हैं, वक्त है, दोस्त हैं, दोस्ती है, मदद है, मशवरा है, तो देर क्यों, आज ही JKEDI से राबिता कायम करिए और दिखाएं कि उनके दिल दिमाग में साधु संतों की, पीरों फकीरों की तालीमात पर चलने की ताकत बराबर कायम है। सामईन, आज बस इतना ही, कल तरक्की, कामयाबी और कामरानी की एक और कहानी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, झूले। प्रोग्राम के टेक्निकल असिस्टेंट प्रणव शर्मा, नरेटर पीके रैना, एडिटर विजय बजाज, एडिटर इन चीफ आर के रैना, पेशकश शोभा खबर, रेडियो कश्मीर जम्मू।